तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले टिकटॉक न्यू ट्रेंड वीडियो को लेकर। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा, टिकटॉक पे आजकल इस टाइप का वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा अपलोड हो रहा है। तो आज हम इसी वीडियो का ट्यूटोरियल देने वाले हों, इस टाइप के वीडियो आप कैसे बना सकते हैं। तो सिंपल, वीडियो के डिस्क्रिप्शन से कैनवास्ट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद चलते हैं मोबाइल का होम स्क्रीन पर, और मैं वहाँ पर बताऊँगा इस टाइप का वीडियो आप कैसे बना सकते हैं। तो आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन से काइन मास्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। 9:16 वाले रेशियो को सेलेक्ट करना है। मीडिया पे आना है। मीडिया पे आने के बाद जो हमने नॉर्मल मोबाइल फ़ोन से वीडियो शूट किए थे वो वीडियो को सेलेक्ट करना है। वीडियो सेलेक्ट करने के बाद वीडियो में जो एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट को रिमूव करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मैंने वीडियो को दो पार्ट में शूट किया हूँ, तो वीडियो को आपको सबसे पहले दो पार्ट में शूट करना है। सबसे पहले आप कोई भी नॉर्मल कपड़ा पहन के शूट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं वीडियो पता है यहाँ हो रहा है। तो वीडियो के लेयर पर क्लिक करना है, कैंची के निशान पर क्लिक करना है और ट्रिम टूल लेफ्ट कर देना है। इससे क्या होगा, लेफ्ट साइड का पार्ट जो भी एक्स्ट्रा होगा वो रिमूव हो जाएगा। वीडियो को आगे की तरफ हमें लेकर आना है। देख सकते हैं मैं यहाँ से घड़ी देख रहा हूँ, और इसके बाद ध्यान रखना है जैसे मैं चादर फेंकता हूँ और यहाँ पर मैं बिल्कुल पूरी तरह से ढक जाता हूँ, 6.4 पे रहने देता हूँ। वीडियो क्लिप पे क्लिक करना है, कैंची के निशान पे क्लिक करना है और स्पीड टू प्ले हिट कर देना है। शॉट आपको चेंज कर लेना है। एक बार फिर से हमें चादर को फेंकना है। फिर से हमारा वीडियो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। देख रहे हैं मैं यहाँ से चादर फेंक रहा हूँ और यहाँ पे मैं बिल्कुल पूरी तरह से ढक जाता हूँ। तो यहाँ पे मैं 8 पॉइंट रन देता हूँ। वीडियो क्लिप पर क्लिक करना है, कैंची के निशान पर क्लिक करना है, ट्रिम टूल लेफ्ट कर देता हूँ। तो लेफ्ट साइड का पार्ट जो भी एक्स्ट्रा था वो रिमूव हो गया। इसके बाद वीडियो पे क्लिक करना है स्पीड कंट्रोल पे आना, और यहाँ पे आपको स्लो मोशन भी वीडियो के कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 0.5 कर देता हूँ, या फिर आप स्लो मोशन नहीं करना तो आप पे डिपेंड करता है वीडियो को किस तरह से बनाना है। इसके बाद ट्रिम टू राइट कर देता हूँ। तो इस तरह से वीडियो में हम स्लो मोशन भी कर सकते हैं लास्ट में। तो वीडियो हमारा कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है। देख सकते हैं हमारा वीडियो पे क्लिक करना है और ओरिजिनल वीडियो को वॉल्यूम को साइलेंट कर देना है। तो दोनों वीडियो को मैं वॉल्यूम को साइलेंट कर देता हूँ। इसके बाद लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से इस वीडियो को डाउनलोड कर लेना है। बाद कैंची के निशान पर क्लिक करना है और यहाँ पर स्टिक टू आइडियो कर देना है। तो इससे क्या होगा, वीडियो होगा बाहर आ जाएगा। वीडियो पे क्लिक करना है और इसे देना है, यहाँ पे आइडियो भी सेलेक्ट करना है। इसके बाद जो एक्स्ट्रा आइडियो है उसे आपको ट्रिम टू राइट कर देना है। और क्या होता है, आपको लास्ट में जो है ना वॉल्यूम स्लो हो जाता है। तो यहाँ पे आपको सेटिंग पे आना है और आइडियो फेड आउट को ऑफ कर देना है। वीडियो हमारा तैयार हो गया। शेयर पर आना है, यहाँ पर आपको 31:30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। और वीडियो हमारा पूरी तरह से यहाँ पर तैयार हो चुका है। पसंद आए तो इसे लाइक कर देना, साथ ही साथ टेक्निकल सेलिंग चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए।